एनकाउंटर, भोका गया शार्प शूटर अपराधी। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोहिंद्रा। उत्तर प्रदेश सरकार के एनकाउंटर नीति के चर्चे तो सुने थे, लेकिन अब तो इसका असर बाकी राज्यों में भी दिखना शुरू हो गया। अब देखिए ना, अब तक तो यूपी में ही एनकाउंटर के चर्चे थे, लेकिन अब उत्तराखंड से भी एक बड़े एनकाउंटर की खबर ने पूरे देश में खलबली मचा दी। खबर है कि जिस अपराधी को उत्तराखंड एसटीएफ ने ठोका है, उस पर 16 मुकदमे दर्ज थे और वो तरसेम सिंह हत्या का मास्टरमाइंड था। पुलिस को उसकी काफी वक्त से तलाश थी, इसीलिए उसका एनकाउंटर में ढेर होना उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दरअसल बीते 28 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवक प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर दो बदमाश अमरजीत और सरबजीत आए थे और अपने मंसूबों को अंजाम देकर फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दो शार्प शूटरों ने तरसेम सिंह को गोली मारी। हत्याकांड के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी तरनतारन गांव मियांविंड के रहने वाले सरबजीत सिंह ने ली थी। जानकारी मिली है कि सरबजीत बाइक चला रहा था और अमरजीत ने तरसेम को गोलियों से भूना, इसके बाद दोनों फरार हो गए। तरसेम के सिर से सटाकर गोली मारी गई थी, जैसा कि सीसीटीवी के कैमरे में कैद भी हुआ। तरसेम सिंह पंजाब में सिखों के सिरमौर माने जाते थे, इसलिए उनकी हत्या के तुरंत बाद हड़कंप मचना लाजमी था। घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ अमरजीत सरबजीत की तलाश में जुट गई। इसी बीच खबर आई कि अमरजीत पुलिस को मिल तो गया, लेकिन उसने उस वक्त पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस और एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। अमरजीत तो एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन अमरजीत का दूसरा साथी सरबजीत फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में एसटीएफ लगातार दबिश दे रही। उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर कर एक दबंग शार्प शूटर अपराधी को मार गिराया, उसकी चर्चा यूपी में भी हो रही। वैसे भी यहाँ के सीएम योगी तो डंके की चोट पर माफियाओं को चुनौती देते हुए नजर आते ही रहते हैं। सोशल मीडिया पर योगी का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीधा पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। बड़े गर्व के साथ लोग आज इस बात को मानते हैं कि भारत दुनिया का एक सिरमौर है, लेकिन 14 के पहले ऐसा नहीं था। सीमाएं सुरक्षित हुई है, पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था, उसने एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए, और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब, जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है, दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता, और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना, और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा
तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया वह काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। योगी के इन्हीं बयानों और आक्रामक रवैये का असर बाकी राज्यों की सरकारों पर भी किस तरह से हो रहा है, इसका अंदाजा अमरजीत के एनकाउंटर से ही लगाया जा सकता है। अब तो दूसरे राज्यों की पुलिस भी इस तर्ज पर काम कर रही है। बहरहाल यूपी पुलिस से प्रेरणा लेकर जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने बड़े अपराधी को एनकाउंटर में ठोक डाला, इसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें।